जो इंडिया और कनाडा का मामला है बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। यहाँ तक हो गया है कि इंडिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं, कनाडा पर अपने वीजा बंद कर दिए हैं कनाडा के लिए, और इसी के साथ जो उनकी कंपनीज है वो भी वहां से निकल रही हैं। जबकि एक और खबर सामने ये आई है कि जो कनाडा है उसने कुछ स्पाई भी किया है, यानी जो डिप्लोमेट्स इंडिया में मौजूद थे उनकी कुछ उसने स्पाइंग की गई है। और जाहिर है कि इसका फिर अपना एक अलग वो एलिमेंट है ये कि क्या इसके ऊपर इंडिया कोई सवाल उठा सकता है या क्या हो सकता है। तो डॉक्टर साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्या वीजाज भी बंद हो गए, दोनों मुल्कों के रिलेशन जो है एक इंतहाई कम दर्जे के उस पर आ चुके हैं। हाँ, ये बड़ी तफ्तीशनाक एक डेवलपमेंट है, क्योंकि काफ़ी सालों से अब जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो तो इंडिया को कल्टीवेट कर रही हैं कि वो पैसिफिक के इलाके में और इधर एशिया के अंदर चाइना का जो एक वो समझते हैं एक राइजिंग थ्रेट है, उनके लिए इंडिया को तैयार किया जाए। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में होने के हो रही थी और इंडियन कंपनियां भी बाहर वेस्टर्न मुल्कों में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही थी। मैं अभी रिसेंटली जब टोरंटो गया तो जहाज में जब मैं उतरा तो एक खास सेक्शन था स्टूडेंट स्टूडेंट्स, तो मैंने देखा कई 100 स्टूडेंट्स इंडिया से आए हुए थे, उनकी जुबान से उनकी बातों से पता लग रहा था। तो जब इतना लेवल हो दोनों मुल्कों के अंदर इंटरेक्शन का, और देखे ना क्वाड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ और ये मिलके, और फिर वेस्टर्न पावर्स के साथ G20 के जरिए G7-8 कई अब ये नंबर्स हैं, उसमें इंडिया और कनाडा एक ही ग्रुप में नजर आते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर ये जो है ट्रूडो, जी इनका अपने हाउस ऑफ कॉमन जो है कैनेडियन पार्लियामेंट का, उसमें ऐलान करना कि वी हैव क्रेडिबल देर इज क्रेडिबल एलिगेशन दैट अ पोटेंशियल लिंक एग्जिस्ट बिटवीन मर्डर ऑफ हरप्रीत सिंह निज्जर एंड इंडियन एजेंट्स, ये इस किस्म की कोई बात की है। और बाद में उन्होंने उनके जो रॉ के वहां पे इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में, उनको वहां से परसोना नॉन ग्राटा यानी यू लीव द कंट्री, फिर इंडिया ने रिएक्ट किया और उन्होंने उसी लेवल का कनेडियन ऑफिसर निकाल दिया। बल्कि कनाडा के बहुत ज्यादा वो ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेशन थी इंडिया में, इंडिया ने कहा कि वो भी खत्म करो, जितने हमारे कनाडा में हैं एम्प्लॉयज उतने ही आपके होने चाहिए उसके अंदर एम्बेसीज के अंदर। और मजीद अब ये जो डिप्लोमेटिक जो चल रहा है इनके दरमियान, वो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हु हैज मोर क्लाउट इन द वर्ल्ड, मुख्तलिफ किसकी इंटरप्रिटेशन की जा रही हैं। तो जी ये बड़ा सीरियस एक डेवलपमेंट है, बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक ये जो है जस्टिन ट्रूडो क्रेडिबल एविडेंस नहीं देते, प्रूफ एविडेंस के बाद प्रूफ के वाकई इंडियन जो थे गवर्नमेंट वो इन्वॉल्व थी, तब तक तो ये मामला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जी इल्जाम इल्जाम होता है और उसका प्रूफ सबूत जो है वो एक और बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये जो बात सामने आई है तो क्या ये भी तो दो मुल्कों के ताल्लुकात में ये गलत होता है ना कि अगर कोई किसी के डिप्लोमेट्स के पीछे उसने जासूस लगाए हो, जासूसी हो रही हो, तो ये तो बजाते खुद उनके अपने ऊपर नहीं ये सवाल आएगा कि आपके मुल्क में जो डिप्लोमेट्स है आप उनकी जासूसी करवाते हैं? क्या इस तरह का को होता है दो मुल्कों के बीच कोई ऐसी बात? दो मुल्कों के बीच हो सकता है, अगर एक मुल्क को शक हो कि ये जो डिप्लोमेट हैं अपने ऑफिस से एक्सीड करके कुछ और हरकतें कर रहे हैं। तो असल में बात यह है कि जो मैंने खबरें सुनी है, ये जो इंडियन कनेडियन इंटेलिजेंस है उसमें कई लोग जो हैं वो शायद सिंपथेटिक है टू द खालिस्तान मूवमेंट, उसमें सिख भी तो है ना इंटेलिजेंस सर्विसेज में, एक पार्टी है जिसके ऊपर मिस्टर ट्रूडो इज डिपेंडेंट क्योंकि उनके पास मेजोरिटी तो है नहीं। हम्म, तो
ये भी हो सकता है कि ये नीचे से जो रिपोर्टिंग हुई है वो अपनी जगह पे इतनी रिलायबल नहीं है, क्योंकि उसके बाद अभी तक प्रूफ जो है वो कनेडियन गवर्नमेंट ने पेश नहीं किया, और यहाँ पे इंडियन जो है वो उसका उस पर शोर मचा रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे सदाम हुसैन के मुतालिक अमेरिकन्स ने कहा था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और जाके हमला कर दिया था, एंड लेटर ऑन इट प्रूव्ड कि वो बिल्कुल झूठ था। तो जब तक ट्रूडो गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड सॉलिड इन कॉन्ट्रोवर्टेबल प्रूफ, इट इज जस्ट एन एलिगेशन। और दो दोस्त मुल्कों के अंदर ये तरीका नहीं होता कि पार्लियामेंट के अंदर, हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में आप जाके ये बयान दें। तो सर इसमें एक और सवाल भी खड़ा होता है कि जब इंडिया की तरफ से कनाडा में मौजूद कुछ लोगों को दहशतगर्द करार दिया जा चुका था, तो के ऊपर तो बल्कि उनको एक्शन लेना चाहिए था, या कोई जो भी होता तो वो तो वहां पे G20 में हिस्सा लेने के लिए भी गए, उससे पहले भी मुलाकातें होती रही, बड़े हाथ मिलाते हुए हम गले मिलते हुए देखते रहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जस्टिन ट्रूडो के बीच, लेकिन इस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं की, जबकि इंडिया की तरफ से तो पहले ही वो जो भी लोग हैं उनके खिलाफ जो है खालिस्तानी वहां पर यही कहा गया कि जनाब दहशत गर्द हैं और उनके लिए इंटरपोल वाला वगैरह से उन्होंने रब्ता कर रखा था। तो आप नहीं समझते कि इसके ऊपर तो जस्टिन ट्रूडो को पहले ही जो है कुछ होना चाहिए था, या क्या देखते हैं आप? जो खबर उधर से है कि ट्रूडो ने जो जाके वहां पे पर्सनली भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये सारी बात बताई है कि हमारे पास ये प्रूफ है, कनेडियन ये कह रहे हैं, लेकिन इंडियंस कह रहे हैं कि कोई हमें सॉलिड प्रूफ नहीं दिया गया, एविडेंस जिसकी बुनियाद पे हम ये इंक्वायरी करें। और सो अब कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है ये तब तक पता नहीं लगेगा जब तक एक प्रॉपर इंक्वायरी फैक्ट्स जो है वो बाहर ना लेके आए। लेकिन ये देखें, खालिस्तान के हक में नारे वहां पे, वो जैसे इंडियंस बता रहे हैं कि वहां पे इश्तिहार भी लगाए गए, इंदिरा गांधी के मर्डर करने वालों को हीरो बताया गया, और रेफरेंडम वहां पे कई दफा हो चुका है। मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि 7 लाख से ज्यादा सिख जो हैं वो वहां पे हैं कनाडा के अंदर, और ये जो रेफरेंडम हुए हैं उनके अंदर चंद हजार लोगों ने हिस्सा लिया है खालिस्तान के हक में। तो ये क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, या ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी मुल्क के खिलाफ जो फोर्सेस हैं आप उनको खुली छुट्टी दे दें? वैसे वेस्टर्न पावर्स अक्सर ये करती भी हैं कि वो देखे ना, अल्ताफ हुसैन को और बरतानिया ने कोई उस पर वो जो चाहा उसने वहां से बैठ के तकरीरें की और MQM के जियालों को कहा कि ये कर दो वो कर दो, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन उनके खिलाफ अगर आप अपने मुल्क में कोई ऐसी करें तो एकदम फिर उनका प्रेशर आता है उसके खिलाफ, अखबारों में अगर आप लिखना शुरू कर दें तब भी ये पावर्स आ जाती हैं कि ये देखें आपकी जो है वो मीडिया हमारे खिलाफ लिख रहा है। तो ये दुनिया में एक इम्बैलेंस भी है कि अगर वेस्टर्न पावर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इस किस्म की इजाजतें दे दें तो वो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट होती हैं उनको विद इन द लॉ ही फ्रीडम होना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक एंगल ये है कि अब दोनों मुल्कों के ये जो अब टाइज तो खैर क्या अब रहे, दोनों डिप्लोमेट्स को निकालने के बाद अब तो वीजा बंद कर दिए गए। अच्छा, अब आप जानते हैं कि इंडिया की तो ट्रेड कितनी बड़ी है, दोनों मुल्कों के बीच अच्छी खासी ट्रेड, वो भी बंद हो जाएगी, जो कंपनीज है इंडिया की वो भी वहां पर काम करने से निकल जाएंगी, तो क्या आप समझते हैं कि इसका नुकसान कनाडा को ज्यादा होगा या इंडिया को? ये तो बाद में पता लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी ट्रेड है और ट्रेड में फायदा किसको ज्यादा पहुंच रहा था। लेकिन दोनों मुल्कों को नुकसान है, और इंडिया का इसका दुनिया में खासा एक क्लाउट है जी, जो कि कनाडा का नहीं है। तो कनाडा अनलेस इट कैन प्रूव द केस, तो नुकसान फिर ज्यादा कनाडा को होगा। हाँ, अगर प्रूव हो जाता है किसी तरीके से कि वाकई इंडियन डिप्लोमेट्स इस किस्म की असैसिनेशन में इन्वॉल्व थे, तो वो फिर इंडिया के लिए सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा
वो धब्बा बन जाएगा, क्योंकि इंडिया का तो क्लेम यही है कि हम इंटरनेशनल लॉ के विद इन दैट फ्रेमवर्क हम सारे अपना करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग भी होती है, बट वी नेवर इंडल्ज इन टेररिज्म, ये एक्ट ऑफ टेररिज्म ही है ना असैसिनेशन, सो दैट हैज टू बी अनलेस आई मीन अनटिल वी नो द एक्चुअल फैक्ट्स के हुआ क्या था, ये डिपेंड करता है कि किसके ऊपर इसका फॉल आउट ज्यादा होगा। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें यानी जो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट की बात हो रही थी, तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो तमाम अपने जो अलाइज हैं उनसे, यानी कि जो वेस्ट की हम बात करें उनसे ज्वाइंट स्टेटमेंट वो नहीं ले सके, और ये बात कही जा रही है कि ये एक तरीके से उनको उनकी डिफीट है कि उन्होंने सबसे यानी सबने अलग अलग तो ही कहा कि हाँ इसके ऊपर, हर एक ने ये कहा, बल्कि मैंने उसकी देखी भी तमाम कुछ ट्रीज की जो आई इस सिलसिले में स्टेटमेंट्स, उन्होंने ये कहा कि ये जो क्रिटिकल एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड की जाए। जी जी, तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ ये सच है या कुछ आगे बढ़कर कहा जाए। तो आपको लगता है कि ये उनके इंडिया की एक पावर, एक ताकत, जाहिर है कि एक बड़ा मुल्क इस वक्त मतलब जिस जिस स्टेज पे वो है, तो इस बिना पर कैनेडा को वो साथ नहीं मिल पाएगा? लॉन्ग रन में क्या होता है ये मुझे नहीं पता जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते, लेकिन फिलहाल तो लगता है कि इंडियंस जो हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा प्रिवेल किया है, क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट तो कनाडा नहीं ले सका अपने एलाइज के साथ, सब ने अलग अलग बयान दिए है, तो एट द मोमेंट डिप्लोमेटिकली इंडिया सीम्स टू बी द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, जो भी ये डिप्लोमेटिक टेंशन चल रही है उसके अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। जी अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक देखिए तो ह्यूमन एंगल भी तो है ना, यानी देखिए अब दोनों तरफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ के निकलना पड़ेगा, उनकी तालीम पे असर पड़ेगा, फिर और जो रह रहे हैं जाहिर है कि एक फ्रंट भी महसूस होता है कनाडा में जो इंडियंस हैं उनके लिए भी, तो ये भी तो, और फिर मतलब काफी इस तरह की चीजें, आप जाहिर है कि दोनों मुल्कों के अगर ताल्लुका, तो इसको आप कैसे देखेंगे कि क्या किसे इस तरह से नहीं होना चाहिए कि जिसकी बिना पर लोगों पर असरअंदाज हो वो चीज? एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अब दोनों तरफ से ये एक्सट्रीम मेजर्स ले लिए गए हैं, तो शुरू तो कनाडा ने किया है ना ये बयान दे के, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अब कहाँ जाके रुकेंगे। असल में एक और बात भी है, अब एशिया के अंदर इंडिया हो, चाइना हो, हम देखते हैं सऊदी अरेबिया हो, ये सारे मुल्क अब वेस्टर्न हुकूमतों के जो है ना डांट उसको वैसे नहीं लेते जैसे एक जमाने में होता था कि वेस्टर्न पावर जो चाहे कहें तो सबको सुनना पड़ता था। इंडिया इज एन असर्टिव इकोनॉमी, उनकी मिलिट्री पावर का मुझे नहीं पता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ओवरऑल उनका सिस्टम है, उनकी डेमोक्रेसी है, उनके इलेक्शंस होते हैं, उसके इंटरनल जो प्रॉब्लम है वी कैन लीव दोज असाइड। आफ्टर ऑल लोग कनाडा में नहीं कह रहे कि ट्रूडो ने ये इसलिए किया है कि वो इलेक्शन जो नया होने वाला है वो हारने की तरफ जा रहा है, तो ही इज डेस्परेट टू गेन सम पॉलिटिकल इनिशिएटिव इन वापस बाय ब्लेमिंग इंडिया और ये और वो, तो दोनों तरफ से पॉलिटिक्स भी गेम की गेम भी हो रही है, लेकिन एट द मोमेंट इंडिया सीम्स टू बी इन द स्ट्रॉन्गर पोजीशन। लेकिन मेरी मैंने बाकी भी कुछ यूट्यूबर से बात की है, मैंने कहा यार जब प्रूफ आ जाएगा ना, और वो जल्दी आना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रूफ नहीं दे सकते तो फिर ये इंडिया की विक्ट्री है। क्योंकि सर ये ऐसा नजर आ रहा है ना, बिल्कुल आपने जो बात की कि जो कनाडा है वो कुछ आइसोलेटेड किस्म की, यानी जो कुछ हुआ है अब तक उसमें कोई भी साथ, हालांकि वो बड़े स्ट्रॉन्ग अलाय हैं जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो देखो इंग्लैंड हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड और यूएसए आई मीन, इन सारों के इंडिया के साथ ट्रेड और फिर क्वाड और फिर ये सारा कुछ जो है वो तो इंडिया को बिल्डअप करने का है ना। हाँ जी जी, तो वो तब रिस्क लेंगे जब प्रूफ आ जाएगा, फिर तो मजबूरी भी हो जाएगी ना कि जब प्रूफ मिल जाए कि ये वाकई इंडिया ने इसमें असैसिनेशन का हुक्म दिया। मुझे समझ नहीं आती वाई वुड द इंडियंस डू दैट, क्योंकि जो भी निज्जर साहब कर रहे थे उससे इंडियन स्टेट को कौन सा बड़ा नुकसान था? हाँ आप कनाडा में रहते हुए
खालिस्तान मूवमेंट को इतना ज्यादा अगर आप प्रमोट करें तो वो इंडियन सिक्योरिटी के हवाले से तो एक डेंजरस चीज है ना, मगर क्या इस मामले में जाके कत्ल करवाया जा सकता है किसी को? आई हैव माई डाउट। अभी शायद कल या परसों एक और खालिस्तानी जो है उसका कत्ल हुआ है। हुआ है हाँ जी,